तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं माय मोटर गाड़ी का यूट्यूब चैनल। जानता हूं कि थार की वीडियो बहुत लेट आई, मतलब बहुत क्या बहुत लेट आ रही है, लेकिन मेरे कुछ पॉइंट्स हैं थार के बारे में जो आपको सुनने चाहिए अगर आप थार परचेज करने वाले हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आप थार परचेज करना चाहते हैं तो डीजल वेरियंट ही लें, पेट्रोल वेरियंट के अंदर बहुत ही कम माइलेज आएगी, और हो सकता है तो मैनुअल वेरियंट ही लें। अगर आप मैनुअल वेरियंट लेते हैं तो आपकी माइलेज सिटी के अंदर लगभग 14-15 के आसपास आराम से आ जाएगी डीजल वेरिएंट के अंदर, और अगर आप पेट्रोल वेरिएंट ले रहे हैं तो भगवान भरोसे रहिएगा क्योंकि माइलेज उसकी बहुत कम है। जहाँ तक मेरे रिव्यूज़ आ पा रहे हैं वहाँ तक मुझे पता है कि माइलेज पेट्रोल की बहुत कम है। ऑटोमेटिक डीजल के अंदर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा वेरिएंट निकल के आएगा, उसकी माइलेज भी शायद 1-2 किलोमीटर का ड्रॉप रहेगा, लेकिन फिर भी उसकी माइलेज काफ़ी अच्छी है। अब ये देखिए, ये एक मॉडिफाइड वर्जन है जो शोरूम के अंदर इनका जो एक्सेसरीज़ होती हैं उनके साथ ही है। ये जो क्रोम एप्लीक्स होते हैं, ये है यहाँ पर एप्लीक लगा हुआ है, हद दोनों जगह पे लगा हुआ है। साथ साथ जो महिंद्रा थार का जो रियर व्यू मिरर होता है आउटसाइड रियर व्यू, वहाँ पर भी लगा हुआ है, डोर हैंडल्स के ऊपर लगा हुआ है, पीछे क्रोम गार्निश लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। रियर पार्किंग सेंसर तो आते ही हैं गाड़ी के अंदर, और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले थार के अंदर क्या था, जो रियर टायर था उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं था, यहाँ पर इन्होंने अलग से एक नट दिया है जिसको खोलने के लिए टूल बॉक्स के अंदर ही एक वो आता है, पाना आता है, वहाँ से ही खोल सकते हैं। यहाँ पर क्रोम गार्निश, दोनों जगह क्रोम गार्निश, उसके नीचे भी क्रोम गार्निश, दोनों जगह पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं थार की ओवरऑल लुक के बारे में। देखिए, अगर आपने थार अभी तक शोरूम पे जाके देखी नहीं है तो प्लीज़ मैं कहता हूँ आप जाके शोरूम पे एक बार देखिए ज़रूर। पिछली वाली थार से बहुत लंबी है, बहुत चौड़ी है, बहुत ह्यूज है, जो उसकी रोड प्रेजेंस है वो भी काफ़ी अच्छी है, और बहुत सारे लोग इस गाड़ी को LX वेरिएंट के अंदर ही पसंद कर रहे हैं, और LX वेरिएंट के अंदर भी सॉफ्ट और जो कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप है वो और एक हार्ड टॉप, दो वेरिएंट आते हैं, उन दोनों के अंदर ही इसको पसंद कर रहे हैं। हालांकि कंपनी ने इसका जो AX वेरिएंट है वो बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी इस गाड़ी की जो डिमांड है वो उतनी ही बरकरार है। हो सकता है कि आज के टाइम पे 8-9 महीने की वेटिंग हो, और जब तक आप डिलीवरी का टाइम है उससे आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, तो उसके बारे में कुछ नहीं बात करेंगे, वो तो इंटरनल बातें होती हैं। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दिए गए हैं गाड़ी में, पीछे की तरफ डिस्क ब्रेक नहीं दिए गए हैं। ओपन करते हैं, ओपन करने का जो मैकेनिज्म है मुझे खासकर बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत ही लाइट है। देखिए बहुत लाइट है, पिछली थार की तरह नहीं, बहुत भारी लेकिन बहुत लाइट है। ये देखिए फिर से जो आउटसाइड रियर व्यू मिरर है बहुत बड़ा है, मेरे नेक्सॉन का इतना बड़ा नहीं जितना इसका बड़ा है। नेक्सॉन का कुछ ऐसे लेंथ में है लेकिन इसका ऐसे हाइट में है। हाइट में देने का फ़ायदा ये है कि आपको पूरा जो पीछे का एरिया है वो दिखाई देगा, ये फ़ायदा होता है। और डोर है, सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाउंस नहीं करता, और इसको बंद करने के लिए ज़्यादा पावर भी नहीं लगानी पड़ती, पिछले थार में यही दिक्कत थी मेनली। यहाँ पर जो ग्लास है वो पेस्टेड ग्लास है, यानी कि पानी की लीकेज यहाँ से नहीं होने वाली। यहाँ पर सीलेंट डाला हुआ है तो पानी की लीकेज यहाँ से भी नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो यहाँ से भी लीकेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीलेंट डाला हुआ अच्छे तरीके से। अब जो ये विंडशील्ड है ये भी पेस्टेड विंडशील्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पेस्टेड विंडशील्ड है, और पेस्टेड विंडशील्ड का फ़ायदा ये होता है कि पानी का लीकेज नहीं होता। जो विंडशील्ड के वाइपर्स हैं वो छोटे ही हैं पहली वाली थार की तरह, लेकिन उनसे थोड़ा सा ये बड़ा है, मतलब साइज़ में थोड़े बड़े हैं लेकिन फिर भी छोटे हैं किसी नॉर्मल कार से कंपेयर किया जाए तो, लेकिन इस कार के लिए मतलब इस गाड़ी के लिए ठीक ठाक है, क्योंकि जो विंडशील्ड है अगर ये लेंथ में ऐसे होता टेढ़ा होता तो लंबा हो जाता, लेकिन अगर ये फ्लैट है थोड़ा सा तो इतना छोटा ही मिल पाएगा। अब गाड़ी के बोनेट के बारे में बात करें तो बोनेट के अंदर मैं उठा के दिखा नहीं पाऊँगा, ये जो इसके जो विंड हुड लैचेस हैं बहुत ही सॉफ्ट मैकेनिज्म के साथ आते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारी पावर लगानी पड़ेगी। पहली बार थार में ये क्या था, जो लैचेस थे उसने 2 आदमी चाहिए होते बोनेट खोलने के लिए, इसमें एक ही आदमी से काम चल जाएगा। यहाँ पर जो एंटीना है इसका, एंटीना बहुत अच्छे तरीके से प्लेसमेंट की गई है, अगर पीछे की तरफ छत के ऊपर करते तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन एक एस्कॉर्ट व्हीकल की तरह यहाँ पर आगे की तरफ एंटीना प्लेसमेंट की गई है। इसका रिसेप्शन भी काफ़ी अच्छा है, और वैसा ही सॉफ्ट मैकेनिज्म पीछे वाले डोर के लिए भी है। जितना ताकत पिछले वाली थार को ओपन करने में लगती थी उससे आधी ताकत इसको बंद करने में और खोलने में लगती है। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी वहाँ पर कितनी ताकत लगती थी खोलने में और बंद करने में। अब ये जो है बूट स्पेस, ये इनके टूल्स हैं गाड़ी के टूल्स। अब देखिए बूट स्पेस कितना मिलता है हमको खोलने के लिए, हमको पहले डोर खोलना पड़ेगा, उसके बाद ये जो रियर ग्लास है वो खोलना पड़ेगा। खोलने के लिए यहाँ पर कट दिया हुआ है ताकि ये जो आपस में टकराए ना, और खोलने के लिए आपको कम से कम इतना खोलना पड़ेगा तभी जाके आप खोल पाएंगे, नहीं तो आप देख पा रहे हैं वहाँ पर रबर टकराएगा। अब देखिए ये अपने आप ऊपर खुल गया, और ये जो चीज़ है ये हमेशा सर पे टकराती रहेगी आपको, अगर आप देख पा रहे हैं तो
ये हमेशा टकराती रहेगी। और ये जो जगह है ये लगभग लगभग एक डफल बैग या फिर जो हमारे बैग्स होते हैं वो आ सकते हैं। सूटकेस आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, 10-12 लीटर का जो सूटकेस है वो आराम से आ जाएगा, लेकिन जो बैग्स हैं वो आराम से आ जाएंगे। और ये जो है सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी, ये रोल केज, पुरानी वाली थार में ये रोल केज था नहीं, लेकिन इस वाली थार में साइड बैरियर टेस्ट जो एनकैप ने किया है उसकी वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत अच्छी हो गई है और आज के टाइम पे 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। मुझे लगता है महिंद्रा ने जितनी भी अभी इन हाउस गाड़ियाँ बनाई हैं ना, उन सब में मिनिमम 4-स्टार रेटिंग तो है ही। वाह, इसका जो थर्ड है बंद करने में मज़ा आता है। और पीछे जो लोग बैठे हैं, अगर उनको पीछे से निकलना है या फिर सीट्स को फोल्ड करके कुछ रखा हुआ है उनको, बैठे हुए लोग उनको खोल के निकलना है, तो यहाँ से खोल के आराम से निकल सकते हैं। और ये भी सेंटर लॉक्ड डोर है, ये बहुत मुझे अच्छा लगा क्योंकि आप जानते हैं पुरानी वाली थार में बहुत दिक्कत थी। ये जो अलॉय व्हील्स है, ये जो अलॉय व्हील है ये अलॉय कलर का नहीं है, सिल्वर कलर का नहीं है, लेकिन ये है एक ग्रे कलर का। ये इसकी कुछ चाबी है जो महिंद्रा की लुक वाली चाबी होती है, जैक नाइफ की, ओपन कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, लाइट्स को ऑन कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं। डोर के बारे में बात करें तो यहाँ पर दो टाइप के लैचेस दिए गए हैं, एक तो डोर स्टॉपर है और ये डोर को एक्स्ट्रा खुलने से रोकेगा, मतलब ऑफ रोडिंग के टाइम पे अगर आपको डोर खोल के चलाना है तो भी आप चला सकते हैं। मल्टी लिंक सस्पेंशन, ये क्या होता है, ये देखिए जो आप रॉड देख रहे हैं ये मल्टी लिंक सस्पेंशन है, पहला रॉड ये है, दूसरा ये है और तीसरा पीछे की तरफ लगा हुआ, आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ना ये तीन मल्टी लिंक सस्पेंशन है। मल्टी लिंक सस्पेंशन मतलब स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, ऑफ रोडिंग के टाइम पे काफ़ी अच्छा है। तो गुरखा के अंदर 5 लिंक मल्टी लिंक सस्पेंशन है। तो ये डोर है, देखिए डोर काफ़ी हैवी है और काफ़ी अच्छी मतलब प्लास्टिक क्वालिटी का लगाया, मतलब ऐसा नहीं कि प्रीमियम क्वालिटी का है लेकिन ऑफ रोडिंग व्हीकल के हिसाब से बहुत ही अच्छा लगाया गया। ब्रांडिंग के साथ यहाँ पर आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडजस्ट करने का फंक्शन दिया गया है, साथ साथ 1 लीटर की बोतल आराम से आ सकती है यहाँ पर। अब वो गिरेगी नहीं गिरेगी ये तो बाद में मालूम चलेगा। उसके बाद देखते हैं अगर फुट मैट से पहले देखते हैं इनग्रेस। देखिए सब जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उनका जो ये वाला एरिया होता है ये थोड़ा ऊपर उठा होता है, या फिर ओवरऑल गाड़ी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है, या फिर एक गाड़ी होती है जो एकदम नीचे होती है। अब ये गाड़ी कैसी है, ये हाइट में भी अच्छी है, इसे ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, लेकिन इसके अंदर घुसना फिर भी आसान है क्योंकि ये जो फुट एरिया है अगर आप देख पा रहे होंगे ये बहुत नीचे रखा गया है। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया था कि ये जो चढ़ने वाला एरिया है काफ़ी नीचे रखा गया है, मतलब चढ़ना उतरना आसान हो गया है। साथ ही साथ जो ये जो फुटरेस्ट दिया गया है ये भी काफ़ी अच्छा है, साथ साथ जो ये प्लास्टिक की क्वालिटी दी गई है ये काफ़ी टफ दी गई है। और इसके नीचे मैं दिखाऊँ आपको होल्स भी दिए गए हैं, जैसे ये रबर का होल है अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से आप पानी को ड्रेन आउट भी कर सकते हैं। इसमें ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो इसके अंदर सीट्स को एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है, तो चढ़ना तो आसान है। अब डोर बंद करते हैं। हाँ, डोर बंद करने के लिए देखिए कितना लंबा जाना पड़ता है, लेकिन डोर बंद करने के बाद जो इंसुलेशन है, जो मतलब नॉइस कैंसिलेशन है, बहुत अच्छे से काम करती है। जितनी भी आवाज़ बाहर से आई थी वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। और ये जो सीट्स का है, देखिए सीट्स मतलब एक प्रॉपर एसयूवी जैसी नहीं है, लेकिन ऐसी सीट्स हैं कि ऑफ रोडिंग के टाइम पे आपको साइड का सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिलेगा। अब थाई का सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम है, जो लंबे बंदे उनके लिए थोड़ा सा कम है। अब ये देखिए इसके बीच में मेरा इतना गैप रह गया है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ ताकि कोई भी झटके के अंदर मेरे सर ऊपर ना टकराए। अब मैं बात करूँ आपको फील कैसा आता है, फील एकदम प्रॉपर एक ऑफ रोडिंग एसयूवी जैसा आता है, आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसा फील नहीं आएगा, प्रॉपर एक एसयूवी जैसा फील आएगा कि हाँ मुझे बोनेट भी दिखाई दे रहा है, इतना सारा स्पेस है गाड़ी के अंदर, जितने भी कंट्रोल्स हैं मेरे कंट्रोल में है, जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी, स्टीयरिंग फील, जो स्टीयरिंग है उसका फीडबैक भी अच्छा है, जो डैशबोर्ड है वो भी एकदम प्लेन, कोई स्लैंटिंग में नहीं है, मतलब ऐसी फील आती है कि यस एक बहुत प्रीमियम एसयूवी बनाई गई है जो ऑफ रोडिंग भी जा सकती है। मेरे ख्याल से अगर महिंद्रा डायरेक्टली एक 5-डोर वेरिएंट निकालता और एक 3-डोर वेरिएंट निकालता ना, मतलब इस सेगमेंट के अंदर महिंद्रा का बोलबाला हो जाता। अब होने वाला है क्योंकि निकालने वाली है, अब वो 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे वो कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ 5-डोर थार आएगी, पक्का आएगी, मैं भी उस चीज़ का वेट कर रहा हूँ। अब देखिए ये जो ORVM है,
ये मैनुअल डिमिंग के साथ IRVM है, IRVM है। अब ये जो डिस्प्ले है ये नेविगेशन के साथ आता है, प्लस आपके जो ऑफ रोडिंग के टाइम पे जितने भी डिग्री एंगल्स को चाहिए होता है, ऑफ रोडिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों आते हैं। ये जो फिनिश दे रखी है ये कार्बन फिनिश दे रखी है। यहाँ पर इन्होंने पहले हैजार्ड लाइट बटन होता है यहाँ पर दिया गया, वो पहले यहाँ लगाया गया था, बाद में इन्होंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये एक सीट बेल्ट रिमाइंडर है, ये सेकेंड सीट बेल्ट रिमाइंडर को ऑफ करने का बटन है, और ये जो पैसेंजर एयरबैग है उसको ऑफ करने का बटन है। अब ये जो बटन है यहाँ पर इस वाला डमी मॉडल के अंदर, मतलब डमी बोल रहा हूँ, डेमो मॉडल के अंदर ये बटन प्रेस नहीं हो सकते, कस्टमर्स को दिए गए उनमें ये फंक्शनल बटन्स हैं। ये जो एसी वेंट्स के बटन हैं, यहाँ पर आप टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, ये फैन की स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं, चेहरे के ऊपर हवा के लिए, लेग के लिए, लेग और चेहरे के ऊपर हवा के लिए, ये सिर्फ लेग्स के लिए, ये फ्रंट डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर, ये एयर सर्कुलेशन के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए, रियर डिफॉगर को ऑन करने के लिए, तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। साथ साथ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है, 2 USB पोर्ट दिए गए हैं, ये चार्जिंग के लिए दिया गया है और ये डाटा कनेक्शन के लिए दिया गया, मतलब साथ साथ एक ऑक्स केबल दिया गया। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर ये दी गई है, ये फ़ोन की जगह मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए आप फ़ोन को आराम से रख सकते हैं और यहाँ 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 दोनों जगह कहीं नहीं जाएगा। अब क्लच के बारे में बात करें तो क्लच का दिखाता हूँ आपको, थ्रो बहुत लंबा है, मेरे को सीट आगे करनी पड़ेगी थोड़ी सी और, ये देखिए थ्रो बहुत लंबा है, लेकिन एक अच्छी बात ये है, कि मैं निसान मैग्नेट को देखने के लिए गया था, उसका जो क्लच था वो थार से थोड़ा हैवी था। जी हाँ, थार से थोड़ा हैवी क्लच था। अब देखिए, अब गियर का जो मैकेनिज्म है, ये पहला गियर लगेगा, सेकेंड गियर लगेगा, आप आवाज़ सुन नहीं पा रहे होंगे लेकिन एकदम क्लिक साउंड है कि जहाँ पर गियर लग रहा है वहीं लग रहा है। उसके बाद अगर रिवर्स करना है, इसको ओपन ऊपर करना है और ये लग गया रिवर्स गियर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसको अगर इंगेज करना है तो नीचे दबा के 2H प्रेस, 4H। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि पावर विंडोज यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर देने का फ़ायदा ये है कि जो पीछे बैठे वाले लोग हैं ना, वो भी ऊपर नीचे कर सकते हैं इस पावर विंडो को। साथ साथ ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, मेरे हिसाब से यहाँ पावर विंडो रखने का एक ही फंक्शन है कि अगर पीछे वाले लोगों को क्लस्ट्रोफोबिक हो रहा है तो यहाँ से वो डायरेक्टली पीछे से आके ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बोतल होल्डर दिए गए विद क्रोम फिनिश के साथ साथ, सीट बेल्ट को पकड़ने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। अब सीट्स को देख लीजिए आप, ये ऊपर की अपोजिटी तो काफ़ी अच्छी है, नीचे थोड़ी सी कम दी गई है, अगर थोड़ी सी और दी जाती तो काफ़ी अच्छा होता, अगर थोड़ी सी और इधर थोड़ा खोल के ऐसे दी जाती तो और भी बेहतर होता मोटे मोटे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए। अब ये देखिए पीछे की तरफ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर की तरफ माउंटेड स्टीरियो दिए गए हैं, लेकिन जो इससे लोअर वेरियंट हैं जिसके अंदर स्टीरियो आता नहीं है, वहाँ पर ये चीज़ नहीं दी जाएगी, वहाँ पर आपको सिर्फ एक ये हब मिलेगा, वहाँ पर आपको ये अलग से लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं, जो वहाँ पर स्टीरियो है वहाँ पर आप लगवा सकते हैं, और यहाँ पर भी एक स्टीरियो की जगह दी गई है, यहाँ पर भी लगवा सकते हैं। अब ये जो पैनल है इसको रिमूव किया जा सकता है, लेकिन अगर इसको रिमूव किया गया तो इसको दोबारा लगाने के बाद जो वारंटी होती है लीकेज की, वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये फ्रेम है एक थार का, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा फिर से, ये जो एक फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर ये टॉप लगाया गया है। अब टॉप की जो क्वालिटी है, जो फाइबर हार्ड टॉप हम जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। अब पीछे की तरफ भी ऐसा ही कुछ हिसाब है, लेकिन पीछे थोड़ी देर बाद में चलते हैं। सीट बेल्ट को यहाँ दिया गया है, सीट बेल्ट में प्रीटेंशन और लोड लिमिटर दोनों चीज़ दी गई है, और जो सीट है ये देखिए पीछे की तरफ भी इतना स्पेस मिलता है, मतलब आगे की तरफ इतना स्पेस मिलता है, पीछे के साथ साथ ये सीट में जो लंबार सपोर्ट है, लंबार सपोर्ट भी दिया गया है साथ में सीट के साथ साथ, मतलब ये एक प्रॉपर प्रीमियम SUV दी गई है ऑफ रोडिंग के साथ साथ। अब पीछे की तरफ चल के बात करते हैं। अब पीछे करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से ये करना है, इसको पुल करना है, अंदर चलने के लिए आपको इतना घुसना पड़ेगा, घुस गए, उसके बाद इतना होगा। अब ये सीट पूरी की पूरी पीछे है, अब इतनी पीछे करके तो बैठेंगे नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा नॉमिनल हाइट पे करके बैठेंगे। नॉमिनल हाइट पे करने के बाद इतना गैप बचता है सीट के अंदर, लेकिन सबसे खराब बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर थोड़ा सा गैप कम रह जाता, मतलब ऐसे फोल्ड करके रखने पड़ेंगे पैर। अब ये जो लेग स्पेस है, मतलब एक पैर के लिए काफ़ी है, दूसरा पैर जा नहीं पाएगा वहाँ तक, क्योंकि जूते रहेंगे तो वहाँ पर जगह नहीं है इतनी। ये जो प्लास्टिक का है, यहाँ पर आप पैर रख सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन अगर ये फ्लैट होता ना तो काफ़ी अच्छा होता, क्योंकि फ्लैट नहीं है ये तो पैर उठता रहेगा।
साथ ही साथ बहुत से आफ्टर मार्केट एसेसरी आ चुके हैं महिंद्रा थार के ऊपर, यहाँ पर कप होल्डर बनाने के लिए या फिर हैंड रेस्ट बनाने के लिए। तो आप जैसे ही महिंद्रा थार लेते हैं वहाँ पर आप ये कप होल्डर चीज़ बनवा लेना या फिर आफ्टर मार्केट एसेसरी लगवा के बनवा लेना। ये है एक ग्रैब हैंडल, और क्योंकि ये ऑफरोडिंग के टाइम पे बहुत हिलने वाली है तो इस कंडीशन के अंदर आपको पकड़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये जो रोल केज है ये पूरा इसके साथ बोल्ट अप किया हुआ है, जो हार्ड टॉप है उसके साथ बोल्ट किया गया है। और ये जो ग्लास है आप देख सकते हैं पूरे फ्रेम के साथ, ये जो फ्रेम है जो हार्ड टॉप है, हार्ड टॉप का फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर ग्लास लगाया गया है। तो अगर आप चाहें तो सीट को रिक्लाइन भी कर सकते हैं, यहाँ से करके आप सीट को पीछे कर सकते हैं। मेरा वाला यहाँ पर होगा पक्का, मेरे वाले इसको करके फुल करके मैं नीचे तक जा सकता हूँ, इतना ही मैं जा सकता हूँ मैक्सिमम। और इतना जाना भी बहुत बड़ी बात है महिंद्रा थार के लिए, क्योंकि इतना जाना पुरानी वाली थार में पॉसिबल ही नहीं था, और इतने सारे स्पेस के साथ। अब ये देखिए इतना सारा स्पेस यहाँ बचता है, मतलब ऑफरिंग के टाइम अगर जंप भी करते हैं तो भी आप बच सकते हैं। और ये रही सीट बेल्ट, पुरानी वाली थार में सीट बेल्ट का प्रोविजन बिल्कुल नहीं था, इस वाली थार के अंदर बहुत अच्छी चीज़ दी गई है सीट बेल्ट के साथ। इन सीट को फोल्ड किया जा सकता है लेकिन हटाया नहीं जा सकता, मतलब इन सीट को आप आगे फोल्ड कर सकते हैं और डबल फोल्ड नहीं कर सकते, अगर डबल फोल्ड करते तो काफ़ी बेहतर होता। और ये जो चीज़ है, मतलब अगर देखें अगर स्पेस के बारे में देखें तो आप देख सकते हैं मेरा पैर यहाँ पर है, इससे एक दो, मतलब दो लोग बैठ के जा सकते हैं, काफ़ी कंफर्टेबली जा सकते हैं। अगर दोनों के शोल्डर ब्रश करते हैं तो आप थोड़ा सा और शिफ्ट कर जाइए आराम से, आप ऐसे बैठ के अगर यहाँ पर आप हैंड रेस्ट लगवाते हैं तो यहाँ पर आप हैंड रेस्ट लगवा के आराम से बैठ सकते हैं। अब ये देखिए जो पीछे लाइट दी गई है, ये लाइट कई बार हो सकता है किसी के सर पे लग जाए, बस एक यही चीज़ है, अगर ये बाहर की तरफ दी जाती या फिर ऊपर की तरफ दी जाती, हो सकता है कि महिंद्रा ने, जहाँ तक मुझे पता है कि पहले वाले मॉडल्स के अंदर ये वाली लाइट थी नहीं, जो टेस्टिंग व्हीकल थे लास्ट मोमेंट में ये मॉडल्स के अंदर लाइट्स को ऐड किया गया। अब ये देखिए एक हुक का प्लेसमेंट भी दिया गया है, यहाँ पर आप अपनी सब्जी भाजी टांग सकते हैं, अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर आप कुछ भी टांग सकते हैं, आज के टाइम पर मास्क टांग सकते हैं, सैनिटाइजर टांग सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें टांग सकते हैं आप अगर चाहें तो। उसके बाद निकलने की कोशिश करते हैं, निकलने के लिए क्या करना है, ये प्लेसमेंट किया, निकलना मतलब, अब इस वाली थार के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी लग रही है मुझे, वो लग रही है पीछे से जो लोग बैठेंगे और चढ़ेंगे उतरेंगे उनके लिए थोड़ा दिक्कत वाली चीज़ है। लेकिन अगर जो इस गाड़ी को परचेस कर रहा है उसके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि एक अलग से गाड़ी होगी या फिर वो दो ही लोगों के चलने वाले। तो ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली में ऑफरिंग जाना चाहते हैं, एक ऐसा व्हीकल चाहते हैं जो रोड पे भी चल सके आराम से और ऑफरिंग पैच तक पहुंच सके। तो बस एक चीज़ की और दिक्कत लगी मुझे कि जैसे आप चढ़ते हैं और जैसे आप बैठने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने ये तो एकदम एक्सट्रीम पीछे किया हुआ है, अब मेरी हाइट के हिसाब से करता हूँ इसको मैं, अगर आप देखेंगे तो मेरी हाइट के हिसाब से पूरा मैंने पैर सेट किया हुआ है, उस हाइट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं मेरा पैर टच होता है। अगर ये वाला बोर्ड जो डैशबोर्ड है उसको यहाँ तक कर दिया जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब जो ऑटोमेटिक वेरिएंट रहने वाला है उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ रहने वाली है, क्योंकि वो आराम से रेस्ट कर सकता है अपने पैर को। अब ये जो गाड़ी है मुझे लगती है कि एक बेंचमार्क रहने वाला है महिंद्रा की हिस्ट्री के अंदर, कि उन्होंने एक नया जनरेशन का वेरिएंट निकाल दिया है महिंद्रा थार का, कि जो किसी भी गाड़ी को टक्कर दे सकता है, किसी भी सेगमेंट की गाड़ी को टक्कर दे सकता है। हाँ, अगर ये गाड़ी 5 डोर के अंदर आती ना तो मतलब किसी भी सेगमेंट की गाड़ी को 4-स्टार रेटिंग के साथ टक्कर आराम से दे सकती थी, क्योंकि आज के टाइम पे 4-स्टार रेटिंग लेके आना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी की ये लगी कि जो अपील है गाड़ी का, जो ड्राइवेबिलिटी है, मतलब जो फील आता है ऑफरोडिंग व्हीकल का, वो बहुत अच्छा आता है इस गाड़ी के अंदर। साथ साथ एक चीज़ बताना और भूल गया आपको, इस गाड़ी के अंदर है डबल विशबोन सस्पेंशन। नॉर्मल गाड़ीज़ के अंदर होता है, नेक्सॉन के अंदर, इन सब गाड़ियों के अंदर होता है सिंगल विशबोन सस्पेंशन, जिसको हम बोलते हैं मैकफेर्सन स्ट्रट सस्पेंशन, और इसके अंदर है डबल विशबोन। यहाँ पर देख सकते हैं आप ये जो सस्पेंशन है, अब वहाँ पर जो चीज़ देख पा रहे हैं आप, ये वाली चीज़ देख पा रहे हैं, ये होते हैं डबल विशबोन सस्पेंशन, जो ऑफरोडिंग के टाइम पर काफ़ी फ़ायदा करते हैं। थार के अंदर जो अपनी ओरिजिनलिटी है, वो जो हिंजेस थे वो अभी तक मेंटेन किए गए हैं, जो नट्स थे वो अभी तक मेंटेन किए गए हैं, अगर इनको अंदर कर दिया जाता तो सेफ्टी में और एक एडिशन हो जाता, क्योंकि इनको खोल के आप गाड़ी को चुरा सकते हैं। ये बहुत मुझे गलत बात लगती है कि इनको खोल के भी गाड़ी को चुराया जा सकता है, साथ ही साथ इनको भी निकाल के पूरा दरवाज़ा निकाला जा सकता है। वही बात है, अगर दरवाज़े को निकालना है तो उसका जो वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी, अगर आप रूफ़ को निकालते हैं उसका सीलेंट चला जाएगा। गाड़ी का बोनेट काफ़ी ऊंचा बनाया गया है गाड़ी के हिसाब से देखा जाए तो, और ये कर्व दिया गया है ताकि एरोडायनेमिक्स काफ़ी अच्छे हो जाएँ गाड़ी के। तो गाड़ी का जो कर्व है
वो ऐसे आके फिर ऐसे आके फिर ऐसे ऊपर जा जाता है, तो मतलब जो एरोडायनेमिक्स है गाड़ी का वो काफ़ी अच्छा हो पाए और माइलेज अच्छी निकल पाए। हालांकि माइलेज काफ़ी अच्छी निकल के आ रही इतनी बड़ी गाड़ी के लिए, 14 km/h की माइलेज मैंने जब चलाया था सिटी के अंदर तो बहुत अच्छी माइलेज निकल के आ रही थी। ओके पीपल, तो अभी हमारे पास चलती हुई गाड़ी आ गई है, मतलब जिसके अंदर चाबी है, बैटरी है और चल सकती है। तो ऑन करके दिखाता हूँ आपको मैं, चाबी ऐसे लगेगी यहाँ पर, उसको ऑन करते ही ये देखिए ये फील आता है, न्यूट्रल पे गाड़ी की गई है और ये थार स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर इसका आरपीएम मीटर है, यहाँ पर स्पीडोमीटर है और ये ऑडोमीटर है। ऑडोमीटर को सेट करने के लिए यहाँ से इन बटन से सेट करना होता है, ट्रिप ए, और इसकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी दिखा रहा अभी, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी जो होता है, होल्ड लाइट्स ऑन ऑफ, और ये है चेक द डायरेक्शन, ये देखिए स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो ऐसे दिखाई देता है। इसके बाद वार्निंग हिस्ट्री, अभी ऐसे बंद करके देखते हैं। ये जो आप देख रहे थे यहाँ पर जो साइन आया था, आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये इंजन के अंदर जो पानी चला जाता है उसको इंडिकेट करने के लिए है, सीट बेल्ट रिमाइंडर है, ये आरपीएम मीटर है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट, बैटरी, और ये इंजन चेक लाइट है, ये ऑयल चेक लाइट है, ऑयल प्रेशर गेज है। अब ये जो है देखिए, ये एसी ऑन ऑफ करने का बटन है, ये एयर सर्कुलेशन का बटन है, जो डायरेक्शन होती है फ्लो की वो चेंज करने का बटन है। अब ये देखिए, ये भी ऑन ऑफ करने के लिए नहीं है, सिर्फ यही बटन ऑन ऑफ करने का, क्योंकि ये डेमो व्हीकल है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो डेमो व्हीकल दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। एक चीज़ मुझे लगी है कि जब ड्राइव कर रहा था मैं इस गाड़ी को, तो यहाँ से सुर की आवाज़ आ रही थी, मतलब आवाज़ बहुत आ रही थी, सुर ऐसे आवाज़ आ रही थी। और दूसरा, इसका जो गियर मैकेनिज्म है, मतलब क्या बताऊँ, पहले दूसरे गियर में तो मतलब ऐसे लगता है कि हाँ गियर बड़े वाले गियर सिस्टम है, मतलब बड़ा गियर बॉक्स ऐसे फील होता है, ऐसे नॉर्मल जो कॉम्पैक्ट एसयूवी उनकी तरह नहीं, प्रॉपर फील होता है कि हाँ कोई हाइड्रोलिक्स कुछ नहीं है और एक हम मैन्युअली स्लॉट कर रहे हैं गियर्स को। अगर आपने इसको न्यूट्रल पे कर रखा है तो गियर कुछ काम नहीं करेंगे, न्यूट्रल पे रहेगा वो। अब बात करते हैं इसके स्टीरियो की, देखिए स्टीरियो, एक मिनट फ़ैन ऑफ कर देते पहले, ये ऑफ हो गया फ़ैन, यहाँ से ऑफ, ठीक है। अब यहाँ से दिखाता हूँ आपको होम बटन, होम पे सबसे पहला है रेडियो, फिर एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, इस पर क्लिक करते ही ये आपको दिखाएगा कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, कितना टॉर्क है एक टाइम पे, जायरोस्कोप मीटर दिखाएगा, कंपास दिखाएगा, ये सामने जो रहेगा वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बीच में रहेगा, टॉर्क रहेगा। और जैसे ये ऑन रोड का है, जैसे हम ऑफ रोड पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा कितने डिग्री पे गाड़ी खड़ी है, 2 degree इंक्लाइन है, 3, 2, 1, 2, 1 ऐसे दिखाता है। सेंटर स्टीयरिंग का, ये देखिए स्टीयरिंग मैंने टर्न किया, ये राइट की साइड दिखा रहा है। तो ऑफरोडिंग के टाइम पे ये काफ़ी चीज़ है। ये है टेम्परेचर गेज, ये टेम्परेचर को दिखाएगा, ये गियर स्लॉटिंग दिखाएगा कौन से गियर पे, अगर मैं पहले गियर पे करता हूँ, ये गाड़ी चलते टाइम पे दिखाएगा, अभी चला दिखा नहीं रहा है, कोई नहीं दिखा दूंगा। और आप डायरेक्टली इसको फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है कस्टम, कस्टम आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या चाहिए आपको, सेटिंग में जाके आपको जायरोस्कोप मॉनिटर चाहिए, पांचों के पांचों आइटम, अगर मान ली हम ये ऑफ़ करते हैं तो ये रोल चेक कर सकते हैं, अगर स्पीड ऑफ करते हैं तो क्या करें, व्हील एंगल ओके करते हैं, ये देखिए कस्टम में हमारा ये सब आ जाएगा। फिर ये आ गया एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, काफ़ी स्मूथ है मतलब मेरे हिसाब से। तो फ़ोन पे आप क्लिक करेंगे तो फ़ोन कोई कनेक्टेड है नहीं वैसे तो। फिर आ गया अपना नेविगेशन, कार इन्फो में दिखाएगा टायर के प्रेशर सब सही हैं, एडवेंचर कनेक्ट ओ ऐप कनेक्टेड नहीं है, इको सेंस, फ्यूल इन्फो। आप देखिए 30 km/l की मतलब इतना तो देगी भी नहीं है, उससे भी कम देगी, लेकिन ये मतलब टेस्टर व्हीकल है तो बहुत कम चलती है और थोड़े डिस्टेंस के लिए चलती है, काफ़ी टाइम तक खड़ी रहती है। उस कंडीशन के हिसाब से इसका हो सकता है कि इको सेंस क्या है, ये आपको दिखाता रहेगा आपका स्कोर क्या है, गियर सिलेक्शन, समझ रहे हैं आप। इसमें बैक करने का ऑप्शन ये रहा, फिर अलर्ट्स DRLs को ऑफ भी कर सकते हैं, फ्यूल सर्विस इन्फो, नो सर्विस इन्फो, उसके बाद सेटिंग्स, ये डिस्प्ले को सेट कर सकते हैं आप। तो मेरे हिसाब से ये कार ऑलमोस्ट परफेक्ट है गाड़ी चलाने के लिए भी, बस थोड़ी मोड़ी चीज़ें जैसे यहाँ से साउंड आती है, ये आप सर्विस सेंटर पे दिखाएंगे तो हो जाएगा, गियर स्लॉटिंग की थोड़ी आवाज़ आती है खड़क खड़क, जैसे एकदम प्रॉपर एक जो ऑफरोडिंग व्हीकल होते हैं उनमें जैसे आवाज़ आती थी वैसे आवाज़ आती है। हालांकि जो पुरानी वाली थार थी ना उसमें इतनी आवाज़ नहीं आती थी गियर शिफ्टिंग के टाइम पर जितनी इसमें आती है, थोड़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी चलेगा। हॉर्न का जो बटन है, पहली वाली थार में क्या था, पूरी थार के अंदर एक ही चीज़ सॉफ्ट चीज़ थी, वो थी उसका हॉर्न,
लेकिन इस वाली थार में एक ही चीज़ हार्ड है, वो है इसका ये। स्टेयरिंग के बारे में बात की जाए तो स्टेयरिंग इसका हाइड्रोलिक स्टेयरिंग है, तो वो हैवी है, नॉर्मल साइड नॉर्मल सॉफ्ट साइड में बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचना मत कि सॉफ्ट है। तो ये गाड़ी वर्थ फॉर मनी है कि आज की टाइम पे इंडिया के अंदर इतने कम प्राइस के अंदर कोई भी ऑफरिंग व्हीकल नहीं आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी वीडियो जानता हूँ, पसंद आई तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।